नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आप सज धज कर शादी करने घोड़ी पर बैठ कर निकले और पहुंचने पर आपको न दुल्हन मिले न दुल्हन का घर, जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ये सच है। ये अजीबोगरीब वाक्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ है। यहां से एक बारात निकली मऊ जाने के लिए, लेकिन मऊ में उन्हें लड़की वालों का घर ही नहीं मिला। पूरी रात बारात लड़की वालों का घर ढूंढती रही, लेकिन उन्हें ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जहां शादी हो। इतना ही नहीं, मऊ के हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे छान मारे, लेकिन शादी वाला घर मिला ही नहीं। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां आजमगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति की शादी 10 दिसंबर को होनी थी। पूरे तामझाम के साथ बारात निकली और मऊ पहुंची। वहां पहुंचकर बारातियों को दुल्हन का घर ही नहीं मिला। पूरी रात सभी बाराती मऊ की सड़कों पर भटकते रहे, लेकिन दुल्हन के घर का कोई अता पता नहीं। थक हार कर बारात वापस आजमगढ़ चली आई। मिली जानकारी के मुताबिक मुताइक नाम की महिला ने रिश्ता पक्का कराने के लिए लड़का पक्ष को आजमगढ़ के नरौली बाजार की एक दुकान पर बुलाया था। लड़की पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते महिला ने लड़के वालों की तरफ से खर्चे के लिए 20,000 रुपए भी दिलवाए थे। इसके बाद लड़के वाले तय तारीख पर बैंड बाजा और बारात लेकर लड़की के गांव पहुंचे। गांव में अचानक बारात पहुंचने पर यहां के लोग चौंक गए, क्योंकि इस गांव में उस दिन किसी की शादी ही नहीं थी। बारातियों ने जब लड़की पक्ष वालों का पता पूछा तो गांव वालों ने बताया कि जिस नाम और पते पर बारात लेकर पहुंचे हैं, उस नाम पर कोई भी परिवार उस गांव में नहीं रहता। बारातियों को इस तरह का धोखा होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वे लोग जैसे तैसे अपनी पूरी रात उस गांव में बिताई, लेकिन सुबह तक कोई जानकारी न मिलने पर बारात बैरंग अपने गांव को वापस लौट गई। अब बिचौलिए महिला के साथ लड़के वालों ने क्या किया, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली सुबह आजमगढ़ के कोतावली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लड़के वालों का सारा गुस्सा एक औरत पर फूटा, जो इस रिश्ते में बिचौलिए की भूमिका निभा रही थी। लड़के वालों ने उसे बंधक बना लिया। लड़के वालों का कहना था कि इस बिचौलिए ने ही उन्हें चूना लगाया है, जबकि उस औरत ने कहा कि उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल पहले लड़के की शादी बिहार के समस्तीपुर में रहने वाली एक लड़की से हुई थी, लेकिन कुछ ही महीने के बाद लड़की अपने मायके चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। हाल ही में लड़के के परिवार वाले छतवाड़ा इलाके में रहने वाली एक महिला के संपर्क में आए, जिसने ये आश्वासन दिया कि वो लड़के की शादी करवा देगी। इसके कुछ ही दिनों बाद ये महिला मऊ की एक लड़की का रिश्ता लेकर लड़के वालों के पास पहुंची। लड़के वालों ने सिर्फ हाँ ही नहीं की, बल्कि बैंड बाजा और लाइट बत्ती वगैरह की तैयारियों के लिए दुल्हन के घर वालों को 20,000 रुपये भी दे दिए, लेकिन लड़के वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।